के साथ सभी लोगों का बैक इन द वीडियो। तो आज में बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स आए हैं और आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिए है इस सीरीज को, तो मैं कहा कि और मंगाते हैं, जरूरत भी थी मुझे और वैसे भी दूर मैंने कहा वीडियो बनाते हैं। तो अभी मेरे पास है 1, 2, 3 और ये 4 लगाना। तो आज हम इसको करेंगे, सबसे पहले हम सबसे पतले वाले को शुरू करते हैं। इस बार मैंने ये मेरे पास 2 औजार हैं, एक कट मारते हैं और पूरा खोल देते हैं। अंदर है ये रिस्ट बैंड और ये हेड बैंड, तो अभी हम इसको नीचे पहन देते हैं और पहले हम हेड बैंड को देखते हैं। तो ये तो इस तरह ऊपर खुल जाएगा और ये अपना हेड बैंड और बीच में से ये है एक कार्डबोर्ड रखा हुआ हमने और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है, मुझे पहनना नहीं आता लेकिन इस तरह पहनते हैं शायद से इस तरह पहनते हैं, पता नहीं ये बाद में देख लूँगा मैं। फंस गया। और अब दूसरा हमारा है ये आर्म बैंड, ये रिस्ट बैंड, आर्म पे भी पहनते हैं और रिस्ट बैंड पहनते हैं। अभी इसको भी सिज़र की ज़रूरत नहीं है, 2 आर्म स्लैश रिस्ट बैंड, ये एक निकल गया और ये एक निकल गया। तो मुझे लग रहा था कार्डबोर्ड पे लगा हुआ कि बहुत ये वाइड होगा लेकिन ये इतना नहीं है, स्ट्रेचेबल है, ये इस तरह मैं पहन सकता हूँ। अब इस तरह कंफर्टेबल है ये, यानी मटेरियल जो है इसका बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। तो चेंज करते हैं और तो अभी हम खोलते हैं। अभी 2 पाँच मैंने एक ऑर्डर की थी लेकिन मैंने जब अपनी डिलीवरी डिटेल्स देख रहा था तो मुझे नज़र आ रहा था कि 2 हैं, मुझे लगा वैसे ही ग्लिच हुआ होगा लेकिन ये तो वाकई 2 होगा मैंने, और ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ जिसकी वजह से मसला हो गया। तो ये है प्रैक्टिस बॉल, भाई हमें पता है हमने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक देख लिए, काफ़ी यानी ऊपर रबर है और यहाँ पे इन्होंने स्टिच किया हुआ है इसको, तो यानी काफ़ी लाइट वेट है काफ़ी, यानी जो मैंने पिछली हार्ड बॉल मंगवाई थी ना उसके कंपेरिजन में ये काफ़ी लाइट है। तो अभी इसको भी खोल लेते हैं। तो अभी ये 2 रह गए हैं और अभी हम इसको खोलते हैं। तो ये हमें समझ नहीं आ रही किससे खोलना चाहिए, यहाँ से खोलते हैं शायद से खोलते हैं। और जिन्होंने भी मेरी पिछली दराज वाली वीडियो नहीं देखी उनके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा, तो आप वो भी बाद में वो वीडियो देख लीजिएगा, उसको भी मैंने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की। तो ये हमारे आ गए हैं कंप्यूटर ग्लव्स, ये हैं हमारे सीन ये हुआ है कि ये मुझे पहले शो हो रहा था कि ये डिलीवर हो गए हैं लेकिन मेरे पास तो अभी तक नहीं आए थे, उसको भी हम साइड पर रख देते हैं। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसे हम प्रोफेशनल SS के हैं और अंदर भी काफ़ी यानी फोम कंफर्टेबल है और यानी स्टम्पिंग करने में मज़ा आएगा। ASMR। तो अभी ये हमारा खुल गया है, ये पता नहीं क्या है लेकिन अभी ये मुझे ग्रे निकल नज़र आ गया लिखा हुआ, लेकिन भाई इतना मुश्किल तो मेरा पेपर भी नहीं होते, इतना ये मुश्किल होती है भाई। इसको साइड पे रखते हैं, इसको बोल लेते हैं, ये शॉपर में आया है उर्दू में कहते हैं, और इसको हम यहाँ से काट लेते हैं क्योंकि तो इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, क्योंकि मुझे नॉट खोलनी नहीं आती। छोटी बच्ची हो क्या कि तुम्हें नॉट नहीं खोलनी आती? भाई ये क्या हो गया, एक और ग्लव निकल गया। ये देखिए, तो यानी दो दो ग्लव हो गए, इनको रिटर्न करना पड़ेगा, उसका बैग आ गया है, वो पैसा भी दे दो।
चाहता हूँ क्योंकि मेरी गलती है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट तो देखा नहीं कि ग्लव आए हैं। मुझे लगा कि वो ग्लव डिलीवर हुए नहीं है और ऐप पे लिखा आया कि डिलीवर हो गए हैं, तो ये मेरी गलती है। मैंने थक गया यार, पर पंखा भी नहीं ऑन किया हवा की वजह, तो हमारा फीडबैक निकल आया है ड्रेन कल्स का। तो अभी भी ये है पैकेज फाड़ेंगे, मुझे गुस्सा आ रहा है। देखो पहले मेरे ग्लव निकल आए, ये ही पूरा, तो ये है बैग है और ये ऊपर एक कुछ भी रख सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्लम थी ग्लव्स रखने के अंदर, ग्लव्स के साइज रखते हैं नीचे कोई नहीं है और वहाँ पे एक बैग की पॉकेट भी दी हुई है। इस साइड पे तो नहीं है लेकिन यहाँ पे बैग की पॉकेट दी हुई है। यहाँ पे मैं अपना ग्रे निकल्स का बैग रखूँगा और ये भाई मैं एक नंबर का पागल। तो अभी ये मेरा पार्सल जो है, जो कि मेरे कैमरा का कवर था, वो आ गया है। तो ये इस तरह है और ये मैं चाइना से है तो ये खुला हुआ लग रहा है, यानी ये पहले से ही ओपन है। आई थिंक जो कस्टम्स वालों ने इसको चेक किया उसकी वजह से ही है। तो ये हमारा निकल चुका है बबल रैप से, जो कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है। हमारा ये कैमरे का केस, तो ये हम देख लेते हैं ये क्या है। तो ये एक लेंस कवर है जो कि हम यहाँ पे पता नहीं कैसे लगा सकते हैं, ये इस तरह लगेगा और ये इस तरह शायद से लगेगा ये। तो ये भी है अच्छी बात है। और यहाँ पे आई थिंक हम कोई फिल्टर लगा सकते हैं अंदर डब्बे के अंदर, तो और कुछ नहीं है, होना चाहिए था। और यहाँ से पता नहीं, यहाँ से ये खुल जाता है तो उसके अंदर हम अपना GoPro अंदर डाल सकते हैं। और यहाँ पे इसकी माइक का स्लॉट है, यानी अगर हम GoPro का अगर हम कोई एक्सटर्नल माइक लगाना चाह रहे हैं तो बहुत आसानी से लग जाएगा। और ये है, इसको हम इस तरह करके अगर करेंगे तो आई थिंक ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर या नीचे, हाँ नीचे। तो हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि हम बार बार अपने उस केस से निकाल के हम बार बार उसकी बैटरी डालें, हम बाहर से भी डाल सकते हैं। तो ये ऊपर एक लगाया हुआ है जिसके अंदर ये नीचे भी एक कोल्ड शू माउंट है और इसके ऊपर एक और लगा हुआ था जो कि ये एक कोल्ड शू माउंट और ये दूसरा कोल्ड शू माउंट और ये इसके ऊपर लग गया था, तो ये डुअल कोल्ड शू माउंट वाला बन गया था। तो यहाँ पर हम लाइट लगा सकते हैं और यहाँ पर अपना माइक, और लाइट तो मेरे पास पड़ी हुई है और अभी इसके अंदर मैं कैमरा फिट करके देखूंगा और देखूंगा कि फिट आता है। और वैसे तो ये GoPro Hero 10 और GoPro Hero 9 दोनों के लिए बना हुआ क्योंकि इन दोनों के साइजेस सेम थे बिल्कुल। तो अभी मैं जल्दी से कैमरा और लाइट लगा लाता हूँ और उनको उसको इससे लगाता हूँ। तो अभी मैंने इसको ट्राई किया है अपने GoPro पे, तो ये GoPro है और ये मैंने सारा कुछ इसके अंदर अभी फिलहाल रख दिया था ताकि जब मैं इसको शूट करूँगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। तो फिलहाल ये मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। तो ये मेरी लाइट है जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस शूट करने में, जो इंडोर होती है मेरी शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं। ये कैमरा है और ये केस है। तो अभी केस को मैं इस तरह खोल लेता हूँ और इसको सबसे पहले हमने इसका ये डोर खोलना है। तो डोर मैंने इस तरह खोल लिया है और ये इस तरह रिमूव हो जाता है आराम से। तो ये हम साइड पे रख देंगे और ये कैमरा हो जाएगा इस तरह, और अब ये तो इसकी बैटरी जो है बिल्कुल ओपन हो जाएगी। तो फिलहाल ये इस तरह आराम से फिर घुस जाएगा। अभी मैंने ट्राई करा था उसको घुसाने के, लेकिन ये सही से घुस नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसको यहाँ से जो है इसको इस तरह यहाँ से घुसाना है और फिर इसको यहाँ पे इस तरह रखना है तो ये आराम से खुद ही बिल्कुल स्मूथली घुस जाएगा। और यहाँ पे आपकी कवर आ जाएगा, तो आपने अगर इस
इसको बैटरी को निकालना है तो निकालना ले लो, निकाल लें और वरना डाल ली रखें। तो ये हमारा कैमरा रेडी हो गया। ये तो ऐसे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जिस तरह ये कोई DSLR है, और ये पीछे वो फुल जैसे लग रहा है कोई बड़ा कैमरा है। पहले छोटा छोटा कैमरा लगता था, अब ये कोई बड़ा कैमरा लग रहा है। और ये इसका लेंस कवर है जो अभी मैं लगाऊंगा, और ये भी है अगर ये ओ, और अगर ये भी है, और अगर हम ये लगाना चाहें, अगर हमने दो चीज़ें लगानी हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं, एक माइक और एक लाइट इस तरह। तो ये लाइट है मेरे पास, अभी इसको मैं रखता हूँ और इसको मैं ज़रा लूज़ कर लेता हूँ। मेरी लाइट टाइट हो गई और ये अब कोई प्रोफेशनल कैमरा लग रहा है, जिस तरह कोई फोटोग्राफी के लिए यूज़ होते हैं, तो ये उसी तरह का कैमरा लग रहा है। और अभी हम मैं इसका ये उतार लिए, और अब मैं इसका ये केस चेक कर लेता हूँ। ने जी अगर स्ट्रेट होगा तो ये हमारा केस कवर लग गया, ये उतर गया। और ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आप ये ले रहे हैं तो ये अपने बॉक्स के अंदर रखें। तो मैं तो इसको इस तरह रखूँगा, अभी मैंने तो इसको अलग-अलग करके रखा हुआ था, लेकिन मैं इसको ओरिजिनली इस तरह रखूँगा। तो ये है पूरा कैमरा जो हमारा सेट हो गया है। ये थी वीडियो, अगर आपको सुनना है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करो मेरे को, और मैं कौन सुनूंगा वीडियो में तब तक यूट्यूब है जी। तेज बोला भाई मैंने, वैसे कर दीजिएगा सब्सक्राइब।